हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। क्या खास है, क्या सीखने वाले हैं, आपके सामने ये डेटा दिख रहा है। अब ये स्टूडेंट के नाम है, हो सकता है कि ये रेंज काफी लंबी हो, मेरे पास छोटी रेंज है तो मैं इसी में आपको बता देता हूं। यहां पर टोटल किया गया है और अब हमें यहां पर एक फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इनमें से जो फेल वाले बच्चे हैं जिन्होंने 50 से कम मार्क्स गेन किए हैं उनको हम फाइंड आउट कर लें। तो ये तो छोटा सा रेंज है, आप देख करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी रेंज होगी तब क्या करेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए एक फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू सम का, ठीक है। अब ये सम के फॉर्मूले से कैसे होगा ये आपको बताता चल रहा हूं। पहला वाला जो सेल है जहां पर आपका पहला डेटा लिखा हुआ है, जैसे राम है तो राम का सब्जेक्ट वन में जो मार्क्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहां पर दे दीजिए कोलन, और कोलन देने के बाद यहां पर ऑटोमेटिकली सेम वही सेल एड्रेस आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। क्लोज कर दिया ब्रैकेट को, यहां पे लगाना है इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ये लगा लिया। अब यहां पर क्या देना है, ये जो सेल यहां पे 50 लिखा हुआ है, 50 से लेस देन इक्वल टू मैं कर रहा हूं, इसी को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है, ये जो आपने दिया है ना सेल एड्रेस 50 जहां पे लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करके F4 बटन प्रेस कर दीजिएगा तो ये डॉलर साइन लग जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रिज हो गया। अगर आप इस तरीके से शॉर्टकट की मदद से फ्रिज नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके पहले क्लिक करके डॉलर लगा दीजिए, दोनों के पहले, रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर जरूर लगा दीजिएगा और प्रेस कर दीजिए एंटर। तो यहां पे ट्रू आ चुका है, देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा टोटल को सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमें नंबर ही पता करना है, ठीक है। तो यहां पर तो टोटल करेंगे तो 50 से ज्यादा हर एक में आएगा ही आएगा, ठीक है, शायद कोई एक दो हो जो 50 से कम हो, लेकिन आपको टोटल सेलेक्ट नहीं करना है। अब यहां पे इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt+H+L+N, ठीक है। तो इससे ये न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और फिर यहां पर आपको जाना है लास्ट वाले पे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स फॉर्मेट, बस इसी पे क्लिक कर दीजिए। और ये ध्यान रखना है कि क्लिक करने के पहले कि यहां पर जो आपने फॉर्मूला लेके आए थे हम, ये फॉर्मूला आपको कॉपी कर लेना है। तो यहां से इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पर इसी फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए, बस पेस्ट हो गया, काम हो गया है। न्यू फॉर्मेट पे जाके और यहां से इसको येलो बना दीजिए, येलो थोड़ा ज्यादा दिखेगा, डार्क रहता है, तो ये हो गया। और यहां से ओके कर दीजिए तो आप देखेंगे कि जितने भी इस इन लोगों ने जहां जहां जो है 50 से कम मार्क्स गेन किया है सब जो है हाईलाइट हो गया है। तो 50 जहां भी होगा वो हाईलाइट नहीं होगा, 50 से लेस होगा, ठीक है। अगर इक्वल टू मैंने दिया है तो इक्वल टू भी होगा, 50 देखिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दोनों दिया है, मैंने यहाँ 50 लिखा हुआ है तो 50 भी अगर होगा तो भी वो जो है हाईलाइट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक चेंज करके दिखाता हूं मैं, अगर मैं यहां 50 लिख देता हूं, ठीक है, ये देखिए ये 50 लिख दिया मैंने, तो ये 50 भी यहां पर येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो जिन जिन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स के 50 से कम मार्क्स हैं या 50 मार्क्स हैं वो जो है हाईलाइट करके आपको दे देगा, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।